बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा और आपका अपना चैनल वर्ल्ड ऑफ इस्लामिक सॉल्यूशन। आपके लिए दुआओं का खसूसी तौर पर एहतमाम किया गया है। जो भी हवातीनों हज़रात दुआ के लिए अपना नाम देना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में अपना नाम दे सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला खसूसी तौर पर उनके लिए दुआ की जाएगी। आज मैं आपको सूरह कहफ़ के हवाले से एक अमल देना चाहती हूँ, और ये अमल असल में लफ्ज़ कहफ़ का ही है। ये एक ऐसी सूरत है जिसके पढ़ने से इंसान की ज़िंदगी में ऐसी तब्दीलियां आती हैं कि इंसान सोच नहीं सकता और बिगड़े हुए तमाम काम संवर जाते हैं। ये सूरत असल में नूर ही नूर है। दुनिया में भी आपको इसके पढ़ने से नूर मिलेगा, और आपकी कब्र में भी नूर ही नूर होगा, और आपकी आखरत भी नूर से ही भर जाएगी। आज मैं आपको लफ्ज़ कहफ़ के हवाले से कुछ मुशाहदात भी बताना चाहती हूँ, जिनके सुनने से इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ही अच्छी रहनुमाई मिलेगी, और इसमें बहुत सारे इंसानों के साथ साथ बहुत सारे शोबों के साथ साथ किसानों के लिए भी बहुत ज़्यादा रहनुमाई का बहुत ज़्यादा इसमें उनको 100% रहनुमाई मिलेगी। मसलन एक साहब बताते हैं कि मेरा कई बार का आजमूदा अमल है कि मैं जब भी बाइक खड़ी करता हूं या कोई और इस तरह की चीज़ हो जिसकी हिफाजत मकसूद हो, तो मैं एक बार इस पर कहफ़ पढ़ देता हूं, और वो चीज़ बिल्कुल महफूज रहती है, और हर नमाज के बाद जो भी ज़िक्र अज़कार करता हूं वो असहाबे कहफ़ को हदिया कर देता हूँ। हज़रत जी हकीम साहब ने फरमाया था कि जिस पर कहफ पड़ा हो इस पर लॉक लग जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस अमल की बरकत से मेरी आज तक कोई भी चीज़ गुम या चोरी नहीं हुई। मैंने ये अमल बहुत सी ऐसी जगहों पर किया जहां मोटरसाइकिल चोरी होने का बहुत ही ज़्यादा डर होता था, लेकिन अल्लाह पाक ने इस अमल की बरकत से मेरी मोटरसाइकिल और हर किस्म की चीज़ को महफूज रखा। एक साहब बताते हैं, मेरा नाम ग़ुलाम सरवर है। हमारे घर से गंदम में कीड़े ख़त्म नहीं होते थे। दवाइयाँ, नमक, नीम के पत्ते वगैरह बहुत कुछ डाले, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। इस वजह से हम बहुत परेशान थे क्योंकि हमारा रिस्क ज़ाया हो रहा था। अल्लाह पाक का ऐसा करना हुआ कि इसी जुमे रात को हज़रत हकीम साहब ने दर्स में कहफ़ के मुशाहदात बताए, जो मैंने घर आकर अपनी अहलिया को बताए, तो उसने एक साफ कागज़ पर कहफ लेकर गंदम में रख दिया, और दो दिन भर गंदम को चेक किया तो इसमें कीड़े नाम की कोई चीज़ नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह, कहफ की बरकत से तमाम कीड़े वगैरह ख़त्म हो चुके थे। एक साहब बताते हैं, मेरे कहफ के बहुत से मुशाहदात और तजुर्बात हैं। मैं इस लफ्ज़ को जिस मकसद के लिए जहाँ भी पढ़ता हूँ मैंने इसको मुजर्रब ही पाया है, और इसकी बरकत से मेरे बहुत से काम बन रहे हैं। अक्सर जब मैं मोटरसाइकिल पर जा रहा होता हूं, तो इस दौरान अगर रास्ते में कोई कील कांटे से मोटरसाइकिल पंक्चर होने का हादसा या अचानक पेट्रोल ख़त्म होने लगता है, तो मैं एक बार कहफ पढ़ लेता हूं। इसकी बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ। एक साहब बताते हैं, मैं अपने दोस्त को अपने कुछ मुशाहदात के बारे में बता रहा था। इसने कहा कि मैं भी आपको अपना मुशाहदा बताता हूं कि मेरे पास चने के दाल की बोरियां पड़ी हुई थीं जिनमें कीड़े पड़ गए थे। मैंने मजाली से मजजूबी से सुना हुआ कहफ लफ्ज़ कागज़ पर लिखकर बोरियों में डाल दिया, तो इससे तमाम कीड़े मर गए। अब दुआ होगी, अल्लाहुम्मा सल्लिला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू, अल्लाहुम्मा सल्लिला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू, अल्लाहुम्मा सल्लिला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू। या अल्लाह पाक, जिन्होंने दुआओं के लिए नाम दिए हैं और जिन्होंने नहीं भी दिए, या अल्लाह पाक सब के लिए दुआ है कि या अल्लाह पाक तू हम सब के हाल पे अपना रहम फरमा दे, अपना करम फरमा दे, हमारी पहाड़ जैसी मुश्किलात और मसाइल हल फरमा दे, और इनको रेजा रेजा करके हमें ज़हनी सुकून अता फरमा दे, हमारी परेशानियाँ ख़त्म फरमा दे, हमारे मसाइल हल फरमा दे। या अल्लाह पाक हम पे अपने करम की रहमतों की बारिश फरमा दे, हमें आफ़ियत अता फरमा दे, हमें आफ़ियत अता फरमा दे, हमें आफ़ियत अता फरमा दे।
या अल्लाह पाक जो बीमार हैं उन सब को मुकम्मल तौर पर शिफाए कामिला अता फरमा दे, और या अल्लाह पाक जो अपना ज़ाती घर चाहते हैं उनको अपना ज़ाती घर अता फरमा दे, या अल्लाह पाक जो माँ बाप अपने बेटों और बेटियों के रिश्तों के लिए परेशान हैं उन सब को नेक रिश्ते अता फरमा दे, या अल्लाह पाक जो अपनी औलाद के लिए परेशान हैं जो बे औलाद हैं उनको या अल्लाह पाक औलाद अता फरमा दे, जो बेटे चाहते हैं उनको बेटे अता फरमा दे, जो बेटियां चाहते हैं उनको बेटियां अता फरमा दे, बस सब सब पे अपना रहम और करम फरमा दे, जो बे आसरा हैं उनको आसरा अता फरमा दे, जो बेदर हैं उनको दर अता फरमा दे, जो बेघर हैं उनको घर अता फरमा दे, बस या अल्लाह पाक अपना रहम ही फरमाना अपना करम ही फरमाना, हमें कभी आजमाइश में ना डालना, और जो आजमाइशें हैं हमारी ज़िंदगियों में या अल्लाह पाक हम इस काबिल नहीं हैं कि हम उन पर पूरा उतर सकें, या अल्लाह पाक हमारी वो आजमाइशें ख़त्म फरमा के हमें ज़हनी सुकून अता फरमा दे, या अल्लाह पाक बस हमें हम पे अपना करम ही फरमाना, हम पे अपना रहम ही फरमाना, हम पे अपनी तवज्जो ही फरमाना, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्ब व तरज़ा लहू, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्ब व तरज़ा लहू, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्ब व तरज़ा लहू, आमीन सुम्मा आमीन। बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो से आप मुस्तफीद हो सकें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।